बांदा तहसील परिसर में कई दिनों से लेखपाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेखपालों ने सरकार पर उदासीनता का तथा मांगे न पूरी होने का आरोप लगाया है। कोई भी काम न हो पाने के कारण छात्र किसान परेशान है। छात्र किसान तहसील के चक्कर लगा कर परेशान, फिर भी उनका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में सारे लेखपाल क्रमतः कई पार्टों में सरकार को का ध्यान आकर्षित कराया। हमारी 8 सूत्री मांगे हैं। नंबर 1 की हमारी मांग ये है कि हमारा जो ग्रेड पे है उसको बढ़ाकर 2800 कर दिया जाए, और जो ACP हमारी दूसरी विसंगति है उस विसंगत को दूर किया जाए। हम पहले 2000 में रहते थे, इसके बाद सीधे 2800 में जाते थे। सरकार ने जब 7वां वेतन लागू हुआ इसमें 24 में कर दिया। हमारे साथ जो चपरासी होता था वो हमारे साथ 10 साल नौकरी करता है, हम 10 साल नौकरी करते हैं, इसके बाद दोनों हम बराबर हो जाते हैं, 24 में आ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसको सरकार से हमारी अपील है ख़त्म किया जाए। हमारा जो मानदेय है, जो भत्ता है, हमको यहाँ से क्षेत्र जाना है, क्षेत्र जाने का 100 रुपये दिया जाता है, जबकि सरकार की मंशा ये है वहाँ से काम आता है। अधिकारी चाहते हैं कि आज ही काम पूरा हो जाए, कैसे संभव है? लेखपाल के पास कोई जादू की छड़ी है क्या? इसको पूरा कर देगा? सरकार से हम अपील करते हैं कि हमको संसाधन दे। अगर गुड गवर्नेंस की बात करती है सरकार तो हमको संसाधन दे, तभी काम होगा। सरकार जनता के कार्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है, इसी वजह से कई बार देने के बाद भी आज धरने पर लेखपाल बैठे हुए हैं, और सारे छात्रों का, किसानों का, मजदूरों का काम रुका हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हमारी मांगों को तत्काल मानते हुए सरकार के जो जनता है, जनता के काम में सहयोग करें। सरकार हमारी जगह खाली पड़ी हुई है ढेर सारी, वर्तमान में 10,000 से ऊपर जगह खाली पड़ी हुई है। सरकार भर्ती नहीं करना चाह रही है, सरकार बेरोजगारी बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, किसानों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी भर्ती करें, भर्ती करके आए वो काम करें। एक एक लेखपाल 4-4 क्षेत्र का काम करता रहा, सारे बस्ते रख दिए गए हैं, सरकार की जू नहीं रेंग रही है कि किसानों का कार्य पड़ा हुआ है। किसानों को इस समय क्रय केंद्रों में गेहूँ बेचा जा रहा है, गेहूँ की रिपोर्टें पड़ी हुई है, सरकार संवेदनशील है कि किसानों का कार्य करवाएं। इसी के साथ मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं इन पर सरकार तत्काल। स्वतंत्र प्रभात के लिए मुनीस मोहम्मद की रिपोर्ट, बांदा।